नमस्कार प्यारे बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए एक नई कहानी एक पाठ के माध्यम से। तो आज का हमारा पाठ है पाठ 6, काकी के दांत। इस कहानी की लेखक है पारमिला उनियाल। तो बच्चों, इस पाठ में एक हाथी के बारे में बात हुई है। आपने हाथी देखा है ना, कैसा होता है हाथी? हाथी की एक बड़ी सी सूंड होती है ना, दो बड़े बड़े दांत होते हैं, और क्या होता है, दो बड़े बड़े कान होते हैं, है ना, और बहुत भयंकर उसका शरीर होता है ना। तुम में से कौन बनना चाहता है हाथी की तरह मोटा तगड़ा? बनना चाहोगे? जरूर, है ना। हाथी देखा है सब बच्चों ने? सर्कस में देखा है हाथी, सर्कस में होता है हाथी, है ना। और जंगली जानवर भी होता है और पालतू जानवर भी होता है, पालते भी हैं लोग इसे और जंगलों में भी हाथी पाए जाते हैं, है ना। आपने एक कहावत सुनी होगी बच्चों, हाथी के दांत, खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। इसका अर्थ होता है कि दो तरह का व्यवहार करना, यानी सामने कुछ और बोलना और पीठ पीछे कुछ और बोलना, है ना। ऐसे क्यों कहते हैं? क्योंकि हाथी के दो प्रकार के दांत होते हैं। हाथी के दो तरह के दांत होते हैं, एक तो बड़े बड़े दांत हाथी के बाहर होते हैं मुंह के पास, है ना। तो उन दांतों से वो अन्य जानवरों से अपनी रक्षा करता है, और दूसरे दांत हाथी के मुंह के अंदर होते हैं, वो दिखाई नहीं देते। उन दांतों से वो अपना खाना चबाता है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं आज हाथी के बारे में एक कहानी। क्या था इस? चलिए बच्चों, सबसे पहले मैं पाठ का परिचय पढ़ लेती हूँ। श्यामू परेशान था कि उसकी काकी के दांत हाथी उठाकर ले गया है। अपनी काकी का कष्ट उससे देखा नहीं जा रहा था। वह अपनी काकी के कष्ट को दूर करने के लिए क्या करता है, इस कहानी में बताया गया है। तो बच्चों, क्या समझ में आया आपको कि एक श्यामू एक लड़का है, और वह किस बात से परेशान है? वो इस बात से परेशान है कि उसकी काकी के दांत हाथी उठाकर ले गया है, जिसकी वजह से उसकी काकी को कष्ट हो रहा है। अब वो अपनी काकी के कष्ट को दूर करने के लिए क्या करता है, कहानी में पढ़ते हैं। चलिए पढ़ते हैं कहानी। और फिर उस हाथी ने दो शेरों को अपने इलाके से मार भगाया। इसके बाद वह 10 गन्नों को एक एक करके चबा गया। तुझे पता है श्यामू, हाथी के खाने के दांत अलग होते हैं और दिखाने के अलग। कहानी पूरी करने के बाद काकी ने पोपले मुंह से श्यामू को बताया। ये कौन बता रहा है हाथी के बारे में कि हाथी ने दो शेरों को भगा दिया और उसके बाद 10 गन्नों को एक साथ खा गया? श्यामू की काकी श्यामू को कहानी बता रही थी, ठीक है। और कहानी पूरी होने के बाद उन्होंने ये सारी बात श्यामू को बताई पोपले मुंह से। पोपले मुंह मतलब क्या? जिसमें दांत नहीं होते। आपने बड़े बुजुर्गों के मुंह देखे है ना, बड़े बुजुर्गों के दांत नहीं होते हैं, क्योंकि बच्चों जब व्यक्ति की उम्र बढ़ जाती है, उम्र बढ़ती रहती है जैसे जैसे, और एक उम्र के बाद व्यक्ति के दांत अपने आप निकल जाते हैं, तो फिर वो मुंह पोपला हो जाता है, इसमें सही तरीके से हम बात भी नहीं कर पाते हैं। तो फिर क्या हुआ, काकी अब वो कहता है, श्यामू कहता है, काकी कहीं वही हाथी आपके दांत भी तो नहीं ले गया? आपके तो दांत ही नहीं है ना। काकी का मोटा पेट हंसते हुए जोर से हिलने लगा, है ना। श्यामू की बात सुनकर काकी हंसने लगी। क्यों काकी क्यों हंसने लगी बताओ? श्यामू को लगा कि काकी के दांत वो हाथ ही ले गया जिसके बड़े बड़े दांतों की बात काकी कर रही है, ठीक है, जबकि काकी के दांत तो टूट गए थे बड़ी उम्र होने की वजह से, है ना। चलिए फिर क्या होता है, काकी ने अपनी रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके
दूध में डाल दिए और श्यामू के लिए रोटी सब्जी रायता आदि परोस दिया। लेकिन काकी के दांत आखिर गए कहां? श्यामू का शक अब भी हाथी पर ही था। देखो बच्चों क्या हुआ, क्या हुआ, जब श्यामू ने कहा अपनी काकी से कि काकी आपके तो दांत नहीं है, इसका मतलब आपके दांत हाथी ले गया है, ठीक है, उसके बड़े बड़े दांत हैं, तो वो आपके दांत ले गया है। लेकिन उसकी काकी सिर्फ हंसती है, उसको खाने को देती है, अपने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े वो दूध में डाल देती है। दूध में क्यों डालती है? क्योंकि रोटी दूध में डालकर मुलायम हो जाती है और फिर वो खाती है। रोटी इसलिए नहीं खा पाती क्योंकि उनके दांत नहीं होते, और आपको पता है ना बच्चों, दांत ही होते हैं जो हमारे अन्न को चबाने का काम करते हैं, है ना। तो इसीलिए आप बिल्कुल मजबूत मजबूत अखरोट खा लेते हो, है ना, अमरूद से कुछ भी अपने दांतों से खा पाते हो। तो काकी के तो दांत नहीं थे, इसीलिए काकी ने रोटी को दूध में भिगोया और श्यामू को सब्जी रोटी रायता दिया। लेकिन बेचारा श्यामू छोटा बच्चा था, उसको समझ ही नहीं आ रहा था, वो सोच रहा था आखिर काकी के दांत गए कहाँ होंगे, है ना। यही सोचते सोचते श्यामू ने फैसला किया कि मास्टर जी से पूछूंगा। ऐसा सोचकर श्यामू समय से पहले ही स्कूल पहुंच गया था। श्यामू को इतनी जल्दी आया देखकर मास्टर जी ने अचरज भरी नजरों से उसकी तरफ देखा। क्या हुआ बेटा आज इतनी जल्दी, कोई बात हो गई क्या, इसने पूछा, उसके अध्यापक ने पूछा, यानी उसके टीचर ने पूछा कि आज तुम जल्दी क्यों आ गए, कोई बात हो गई क्या। तो श्यामू, काकी तो ठीक है ना, ये उसके मास्टर जी पूछते हैं। मास्टर जी जानते थे कि श्यामू के माता पिता बचपन में ही चल बसे थे और वह अपनी काकी के साथ रह रहा था। उन्हीं के स्वास्थ्य को लेकर मास्टर जी को चिंता हो गई थी। काकी, हाँ मास्टर साहब, नहीं मास्टर साहब, हड़बड़ाया सा श्यामू बोला, मेरी काकी के दांत लगता है हाथी ले गया है। उसको वही शक हो रहा था कि मेरी काकी के दांतों को वो हाथी ले गया है। क्या, उसके जो टीचर होते हैं उसकी इस बात को सुनकर हंसने लगते हैं, ठीक है, तुम्हें किसने बताया कि काकी के दांत हाथी ले गया है, मास्टर जी ने हंसी रोकते हुए पूछा। तो जवाब में श्यामू ने काकी की हाथी वाली कहानी सुनाते हुए अपनी शंका प्रकट की कि हाथी काकी के दांत तो खाने के लिए ले गया है या फिर दिखाने के लिए। जो कहानी श्यामू की काकी ने उसको बताई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हाथी के दांत होते हैं बड़े बड़े, है ना, और खाने के अलग होते हैं और दिखाने के अलग होते हैं, तो उसी कहानी से को सुनकर वो पूछता है कि जो हाथी है वो मेरी काकी के दांत चाहे ले गया है, अब ये बताओ कि वो खाने के लिए ले गया होगा या दिखाने के लिए, है ना। बच्चे के मन में अलग अलग तरह से सवाल आते हैं। तो उसके मास्टर जी कहते हैं, श्यामू बेटा, मास्टर जी ने चश्मा अपनी नाक पर टिकाते हुए कहा, जब इंसान की उम्र ज्यादा हो जाती है तब उसके दांत टूटने लगते हैं। लेकिन मास्टर जी, श्यामू ने अपना एक हिलता हुआ दांत दिखाकर कहा, मेरे दांत तो अभी से टूटने लगे हैं। इसका मतलब उसको भी डर लगने लगा कि शायद मैं अभी बूढ़ा हो गया हूं, है ना। अरे बेटा, ये तो दूध के दांत हैं, फिर नए आ जाएंगे, लेकिन काकी के दांत दोबारा नहीं आएंगे। वैसे अगर तुम्हारी काकी को खाने में दिक्कत हो तो नकली दांत लगवा सकती है, मास्टर जी बोले। हाँ बच्चों, तो क्या हुआ कि जब मास्टर जी ने श्यामू को ये बात समझाई कि उम्र के साथ साथ दांत भी टूटने लगते हैं, है ना, जब इंसान की उम्र ज्यादा हो जाती है तब उसके दांत टूटने लगते हैं। अब श्यामू का भी दांत टूट रहा था, तो श्यामू ने मास्टर जी से पूछ लिया कि मेरा भी तो दांत टूट रहा है,
तो उसके मास्टर जी ने बताया कि ये दूध का दांत है। बच्चों, इंसान के दो बार दांत टूटते हैं, ठीक है। एक जब बच्चे के जो दूध के दांत होते हैं, यानी जन्म से जो दांत होते हैं, बच्चे के जन्म के 6 या 7 महीने बाद उसके दांत निकलते हैं, ठीक है, वो दूध के दांत कहे जाते हैं। फिर वो दांत फिर टूटते हैं, यानी कि 7-8 साल के बाद फिर वो दांत टूटते हैं और फिर नए दांत आते हैं, ठीक है। एक बार टूट गए, फिर नए दांत आ गए, फिर वो दांत बड़ी उम्र में जाकर फिर टूटते हैं, लेकिन दोबारा नहीं आते हैं। इसीलिए उसकी काकी का मुंह कैसा था? दांतों के बिना था, है ना, क्योंकि उसकी काकी के दांत टूट चुके थे जो कि अब दोबारा नहीं आने थे। लेकिन आजकल लोग क्या करते हैं, जिनके दांत टूट जाते हैं, नकली दांतों के सेट लगाकर अपने अपने मुंह की शोभा बढ़ाते हैं। तो बच्चों, आज यहीं तक कहानी को पढ़ूंगी। आपको कहानी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है ना? तो इस कहानी को कंटिन्यू करूंगी दूसरी वीडियो में। तब तक आप इस कहानी को यहाँ तक पढ़िए और 5 वाक्य पेज नंबर 42 तक मैंने आपको 41 और 42 पढ़ाया, इन दोनों पाठों से आप 5 शब्द चाटेंगे जिनसे आप वाक्य बनाएंगे, ठीक है। तो ये आज का आपका होमवर्क है। तो इस कहानी को हम कंटिन्यू करेंगे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।